यूपी में पहले फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशी अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 15A में कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर नोएडा पहुंचे। सांसद शशि थरूर ने नोएडा कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगे और साथ ही पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। सांसद शशि थरूर ने कहा कि पंखुड़ी पाठक नोएडा की जनता के बीच में रहती हैं और यहां की समस्या को अच्छे से समझती हैं। नोएडा आया हूं। मैं नोएडा के बारे में बोलूंगा कि हमारे काफी उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत सकती है, क्योंकि पंखुड़ी पाठक यहां की मतलब यहां की निवासी है, यहां रहती है, यहां की प्रॉब्लम यहां की समस्याओं अच्छी तरह समझती है और समझ के लोगों को उनके शब्दों को सुनाने के लिए उनका सारी कैपेबिलिटी है। वो तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लॉयर भी है और हमारे इतने अच्छे उम्मीदवार उठे जो लोगों की कठिनाइयां उनके ही अनुभव है, ये हम अगर देखेंगे तो हमारे उम्मीदवार सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।